बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब हुए। सांसद रवि किशन फिल्म और वेब सीरीज में हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाले वाक्यों पर जमकर बरसे। रवि किशन ने कहा कि बार बार जानबूझकर हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया जाता है, जो कि बहुत गलत है। हम किसी भी धर्म या समुदाय को बिना ठेस पहुंचाए फिल्मों में काम करते हैं, तो बाकी क्यों नहीं कर सकते हैं। इन दिनों चर्चा में रही वेब सीरीज तांडव पर रवि किशन ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल ना करें, हिंदू धर्म का मजाक कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जानबूझकर खिलवाड़ बनाना ये आघात पहुंचाता है। बार बार हिंदुत्व को सोच समझकर आघात क्यों पहुंचाया जाता है, ये समझ नहीं आता। इस दौरान रवि किशन ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, हमने देखा नहीं, लेकिन मैं ट्विटर के माध्यम से देख रहा हूँ। मुझे काफ़ी मीडिया कर्मियों का भी, मित्रों का भी फ़ोन आ रहा है कि अपने कुछ रिएक्शन देखिए। मैं बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, उसमें कुछ मित्र भी हैं मेरे जो एक्टिंग कर रहे हैं, कि देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि OTT प्लेटफॉर्म का मतलब है फ्रीडम आपके हाथ में, आपके हाथ में फ्रीडम, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी धर्म को छुएं, कोई ऐसी बात करें जिससे हिंदू धर्म को, जो इतना बड़ा धर्म है, जो इतनी बड़ी आबादी का धर्म है, उसको अब बड़ी आसानी से उसका माहौल बना दे। धर्म के साथ और हिंदू धर्म के साथ ये बार बार एक जान करके, जैसे कहते ना, एक खिलवाड़ बनाना, ये बहुत दुखद है और ये बहुत आघात पहुंचाता है। सिनेमा में एंटरटेनमेंट करने का माध्यम अनगिनत रूप है, अनगिनत तरीके से आप ऑडियंस को होल्ड कर सकते हो। किस धर्म को किसी नीचा दिखाना, वो कोई भी समुदाय का धर्म हो, मेरे समझ में ये नहीं आता कि बार बार हिंदू धर्म, हिंदू भगवान, हिंदू संस्कार, हिंदुत्व को इतना आघात सोच समझकर क्यों पहुंचाया जाता है, मेरे समझ में ये नहीं आता। क्योंकि 650 फिल्म हम कर चुके हैं, बिगर किसी समुदाय को, मुस्लिम धर्म को या क्रिश्चियन धर्म को या सिख धर्म को हम आघात पहुंचाए बिगर देश की जनता को एंटरटेन आज तक कर रहे हैं। रवि किशन एक ब्रांड बन गए इस देश में, बगैर किसी को हार्म किए, हर्ट किए मेरी फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई, बगैर किसी धर्म को नीचा दिखाए मेरी फिल्में सिल्वर जुबली चली। तो ये समझ में नहीं आता, आपके वेब सीरीज को हिट कराना या एक कंट्रोवर्सी में लाना, ये एक नया जो ट्रेंड शुरू हुआ है, हिंदू भगवानों को बार बार लगातार इतने सालों से हमेशा ओछा दिखाना, नीचा दिखाना, ये एक हिंदू होने के नाते, मुझे एक कलाकार होने के नाते, एक सांसद गोरखपुर का होने के नाते बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख पहुंचता है, बहुत डिप्रेशन होता है मुझे कि क्यों ऐसा आसानी से हिंदू भगवानों को मजाक के रूप में उछाला जा रहा है एंटरटेनमेंट के नाम पर। और इस पर एक रोक होनी चाहिए, इसकी एक सीमा होनी चाहिए, इस पर एक बंदिश होनी चाहिए, इस पर एक बॉर्डर होना चाहिए, इस पर एक 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 सम्मान होना चाहिए हिंदुत्व का, हमारे भगवानों का, हमारी आस्था का, हमारे विश्वास का, हमारे संस्कार का।